हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का यहाँ पर हम प्रतिभा पर्व पेपर की दृष्टि से मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 8 विषय विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं, सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम खंड आ, यहाँ पर हिंदी के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, आ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, विवेक जाता है। तो यहाँ पर आपको क्रिया शब्द बताना है कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द कौन सा होगा। तो विवेक जाता है, इसमें क्रिया शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर पहले का आंसर क्या हो जाएगा, जाना। इसमें जो क्रिया हो जाएगी क्या हो जाएगी, जाना क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जाना इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, लड़के भाग गए। तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, भागना यहाँ पर क्रिया हो जाएगी इस वाक्य में। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, भागना लिख देना है, यहाँ पर यह क्रिया हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भागना। इसके बाद 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको सर्वनाम शब्द छांट कर बताना है। तो वह खेल रहा है, इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, इसमें सर्वनाम वह शब्द हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मैंने खाना खाया। तो यहाँ पर इसमें सर्वनाम शब्द क्या हो जाएगा, दूसरे वाक्य में मैंने, यहाँ पर इसका सर्वनाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। तो यहाँ पर पहला शब्द है सहेली। तो यदि इसके हम वचन को बदलें तो यहाँ पर इसका जो वचन हो जाएगा क्या हो जाएगा, सहेलियाँ हो जाएगा, अर्थात इसका जो बहुवचन होगा सहेलियाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले का आंसर सहेलियाँ हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, टोपी। तो इसको यदि हम बहुवचन में बदलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोपी का क्या हो जाएगा, टोपियां हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर में क्या लिखना है, दूसरे प्रश्न के टोपियां लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित के लिंग बदल कर लिखिए। तो यहाँ पर दादा दिया गया है, दादा शब्द आपको पुल्लिंग में दिया गया है। यदि हम इसको लिंग में बदलें अर्थात यदि हम इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे तो दादा का क्या हो जाएगा, दादी हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर दादी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा शब्द दिया गया है, मौसा। तो यहाँ पर इसका जो लिंग रूप होगा मौसी हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर ई नंबर का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में वाक्य के नीचे लिखे गए सही अर्थ को चिन्हित कीजिए या घेरा बनाइए। तो यहाँ पर आपको सही अर्थ वाले शब्द को आपको चिन्हित करना है या फिर घेरा लगाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं, अर्थ दिए गए हैं इस प्रकार से। तो पहला शब्द है सूचना। तो जो सूचना का जो सही अर्थ होता है यहाँ पर क्या होता है, खबर होता है। तो इस प्रकार से खबर पर आपको इस प्रकार से गोला लगा देना है। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है, आज्ञा। तो आज्ञा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आज्ञा यहाँ पर आदेश होता है। तो यहाँ पर दूसरे का जो आंसर होगा आदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से
पहले शब्द का सूचना का अर्थ क्या हो जाएगा, खबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको खबर के ऊपर यहाँ पर गोला लगा देना है। और आज्ञा का अर्थ क्या होता है, आदेश होता है। तो यहाँ पर आदेश शब्द पर आपको इस प्रकार से गोला लगा देना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, उसने अपने थैले को खोला तो चैन खालिस्तान मिली। तो चैन कैसी मिली, टूटी मिली। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, टूटी लिख देना है। तो यहाँ पर टूटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी जो प्रतिभा पर्व के पेपर हैं वह आपके 17 जनवरी से होने वाले हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नमांक 2 का आ नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे। तो यहाँ पर पहला शब्द दिया गया है नदी। तो नदी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, यहाँ पर सरिता और सलीला होता है। तो यहाँ पर नदी का पहला पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, सरिता हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सरिता लिख देना है। इसके बाद दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, सलीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से नदी के दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, पहला शब्द सरिता हो जाएगा, दूसरा शब्द सलीला हो जाएगा। तो इस प्रकार से नदी के दो पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, सरिता और सलीला हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको आंसर में सरिता और सलीला लिख देना है। इसके बाद दूसरा शब्द दिया गया है जंगल। तो जंगल के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, वन और कानन। तो यहाँ पर आपको वन दिया गया है, तो पहला शब्द वन हो जाएगा, दूसरा शब्द कानन हो जाएगा। तो यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, वन और कानन हो जाएंगे। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, वन और कानन शब्द लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा शब्द है मित्र। तो मित्र के पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे, दोस्त और साथी। यहाँ पर आपको दोस्त दिया गया है, तो पहला शब्द दोस्त होगा और दूसरा शब्द साथी होगा। तो यहाँ पर आपको इनके पर्यायवाची शब्दों को लिख देना है इस प्रकार से, दोस्त और साथी। तो इस प्रकार से मित्र के दो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, दोस्त और साथी। इसके बाद यहाँ पर शब्द दिया गया है, यहाँ पर पक्षी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पक्षी के पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द होता है बेहग और खग होगा। तो यहाँ पर आपको बेहग दिया गया है और दूसरा शब्द खग दिया गया है। तो यहाँ पर पक्षी के दो शब्द पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे, पहला शब्द यहाँ पर बेहग हो जाएगा और दूसरा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, खग हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट शब्द दिया गया है बादल। तो बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, मेघ और जलद हो जाएगा। तो यहाँ पर मेघ दिया गया है और यहाँ पर जलद दिया गया है। तो यहाँ पर जो बादल के दो पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, पहला शब्द यहाँ पर मेघ हो जाएगा और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, जलद हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम इन सभी शब्दों की यहाँ पर पर्यायवाची शब्द एक साथ यहाँ पर देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नांक 2 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से शब्द और पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। नदी के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द सरिता और सलीला हो जाएंगे। जंगल के दो पर्यायवाची शब्द वन और कानन हो जाएंगे। मित्र के दो पर्यायवाची शब्द दोस्त और साथी हो जाएगा। पक्षी के दो पर्यायवाची शब्द बेहग और खग हो जाएगा। और बादल के दो पर्यायवाची शब्द मेघ और जलद हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 3। तो यहाँ पर प्रश्नांक 3 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला खाली स्थान है, गणतंत्र दिवस एक खालिस्तान पर्व है। तो गणतंत्र दिवस एक क्या होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है। तो आपको पहले खालिस्तान में आंसर में क्या लिख देना है, राष्ट्रीय लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खालिस्तान है, अहिल्याबाई होलकर महारानी थी। तो कहाँ की महारानी थी,
मराठा साम्राज्य की महारानी थी, तो वहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है, मराठा साम्राज्य की क्या थी, महारानी थी। तो यहाँ पर दूसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, मराठा साम्राज्य की। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खालिस्तान है, बिश्नोई समाज के संस्थापक खालिस्तान थे, तो कौन थे, जाम्बोजी महाराज थे। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है, जाम्बोजी महाराज। तो इस प्रकार से तीसरे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, जाम्बोजी महाराज। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर चौथा खालिस्तान है, हमें जीवों के प्रति खालिस्तान की भावना रखनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें जीवों के प्रति दया की भावना रखना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, दया हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर में दया लिख देना है। इसके बाद पांचवा खालिस्तान है, भीमबेटका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो पांचवें खालिस्तान का आंसर क्या हो जाएगा, शैल चित्रों। तो इस प्रकार से पांचवें खालिस्तान में आपको क्या लिख देना है, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आपको किस तरह की किताबें या पत्रिकाएं पढ़ने में आनंद आता है। तो किस प्रकार की पत्रिका, यहाँ पर मनोरंजक किताबें। इसके बाद यहाँ पर चौथा प्रश्न है, कोरोना से बचाव के लिए दो गज की दूरी क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो। तो यहाँ पर हम चारों प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक चार के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। इसके बाद यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर होगा कि जब किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तब जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न का आंसर हो जाएगा मनोरंजक किताबें। इसके बाद चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा, ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर पाँचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उचित विराम का प्रयोग वाक्यांश पर कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पूर्ण विराम दिया गया है, डबल इन्वर्टेड कामा दिया गया है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह दिया गया है। इस प्रकार से आपको विराम चिन्ह दिए गए हैं, तो हम इनका प्रयोग वाक्यांश में करेंगे। तो सूरज तमतमाया हुआ था, दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में उठकर जुड़ गए। तो यहाँ पर था के बाद यहाँ पर आपका पूर्ण विराम चिन्ह आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो डबल इन्वर्टेड कामा आएगा, यहाँ पर गिड़गड़ाया के बाद यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कामा आएगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कामा को लगाना है। इसके बाद हे प्रभु, तो हे प्रभु के बाद इस प्रकार से विस्मय आदि बोधक चिन्ह आएगा। इसके बाद लास्ट में आपका डबल इन्वर्टेड कामा आएगा। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग आपको यहाँ पर इस वाक्यांश में करना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम खंडवा अर्थात अंग्रेजी विषय के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन है, राइट द प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग ES। तो यहाँ पर हमें ES का प्रयोग करके यहाँ पर जो आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनके हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है, अर्थात बहुवचन बनाना है ES को लगाकर। तो यहाँ पर हम यदि बस में हम ES लगाएं तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बसेस हो जाएगा। इसके बाद दूसरा शब्द है यहाँ पर बेंच, तो यदि हम बेंच में ES लगाएं, इस प्रकार से आपको सबसे पहले इस शब्द को लिखना है बेंच को, यहाँ पर आपको डायरेक्टली ES लगा देना है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा शब्द है वॉच, तो वॉच में यदि हम ES लगाएं तो यहाँ पर वॉचेस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस शब्द को लिखना है और यहाँ पर ES लगा देना है।
इसके बाद यहाँ पर लास्ट शब्द दिया गया है गिलास, तो इस यहाँ पर सबसे पहले हम गिलास शब्द को लिखेंगे और इसमें हम ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पर गिलास एस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्टली इनमें ई एस लगा देना है, तो इस प्रकार से आपके प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन शब्द हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि मैच द फॉलोइंग अर्थात सही जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ पर रेड दिया गया है, तो रेड अर्थात जो लाल कलर होता है वह यहाँ पर रोज़ होता है अर्थात गुलाब का फूल होता है। इसके बाद ब्लू, ब्लू यहाँ पर क्या होता है नीला रंग होता है, तो नीला क्या होता है यहाँ पर स्काई होता है अर्थात आकाश कैसा होता है नीला होता है। इसके बाद ग्रीन, तो ग्रीन क्यों कौन सा कलर होता है हरा कलर होता है, तो हरा क्या होती है ग्रास अर्थात जो घास होती है वह हरे कलर की होती है। इसके बाद वाइट, वाइट क्या होता है सफ़ेद होता है, तो यहाँ पर मिल्क हो जाएगा अर्थात जो दूध होता है वह सफ़ेद होता है। तो इस प्रकार से आप इन सही जोड़ियों को आसानी से इस प्रकार से मिला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 4, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरें। कोई 4 भरना है यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है आई एम खाली स्थान, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पतंग दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई एम काइट। इस प्रकार से आपको आंसर में क्या लिख देना है काइट लिख देना है। माई कलर्स इज, इसका कलर यहाँ पर कौन सा कलर दिया गया वाइट कलर दिया गया अर्थात सफ़ेद कलर दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वाइट लिखेंगे डब्ल्यू एच आई टी ई। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है आई खाली स्थान इन द स्काई, तो यहाँ पर जो पतंग होती है वह कहाँ उड़ती है फ्लाई अर्थात आकाश में उड़ती है, तो तीसरे खाली स्थान में आपको फ्लाई लिख देना है। इसके बाद इन द स्काई आई, इसके बाद चौथे खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है यहाँ पर फन लिख देना है एफ़ यू एन लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट खाली स्थान है विथ द विंड आई हैव आ खाली स्थान टेल, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है लॉन्ग लिख देना है। तो इस प्रकार से आपके खाली स्थान के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है टिक द करेक्ट ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस, अर्थात सही उत्तर पर सही का टिक लगाकर वाक्य पूर्ण करें। तो इस प्रकार से प्रत्येक वाक्य में आपको दो दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको सही का टिक लगाकर प्रत्येक वाक्य को आपको पूर्ण करना है अर्थात पूरा करना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है ही सी इज आ टीचर, तो यहाँ पर आप ही के ऊपर इस प्रकार से सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद दूसरा वाक्य है ही इट इज़ अ बॉक्स, तो यहाँ पर बॉक्स क्या है एक निर्जीव चीज़ होती है इसलिए हम इसमें इट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हम इट पर इस प्रकार से सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद तीसरा वाक्य है ही इट इज़ एन एप्पल, तो एप्पल यहाँ पर क्या होती है एक निर्जीव चीज़ होती है और यहाँ पर यदि ही का प्रयोग करेंगे तो ही यहाँ पर सजीव चीज़ों में प्रयोग की जाती है, तो यहाँ पर एप्पल अर्थात जो सेब होता है वह निर्जीव चीज़ होती है, तो यहाँ पर हम इसमें इट के ऊपर सही का टिक लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर चौथा वाक्य है दे आर इट इज़ चिल्ड्रंस, तो यहाँ पर इसमें आप दे के ऊपर सही का टिक लगाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर पहले में आपको ही के ऊपर टिक लगाना है सही का, दूसरे में आपको इट पर, तीसरे में भी आपको इट पर लगाना है और चौथे में आपको इस प्रकार से दे पर इस प्रकार से सही का टिक लगाना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है रीअरेंज द वर्ड्स टू फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, अर्थात शब्दों को क्रम से जमा कर वाक्य बनाइए, तो यहाँ पर हमें इन शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर हम चारों प्रश्नों के आंसर एक साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको सभी शब्दों को इस प्रकार से रीअरेंज अर्थात क्रम से इस प्रकार से आप जमा सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाक्य क्या हो जाएगा आई एम अ टॉल बॉय, इसके बाद दूसरा वाक्य क्या हो जाएगा आई लाइक टू वियर ब्लू ड्रेस, इसके बाद तीसरा वाक्य हो जाएगा एप्पल्स एंड ग्रीन आर स्वीट, इसके बाद यहाँ पर चौथा वाक्य होगा ही हैज़ आ पिंक पेन। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 5 के यहाँ पर चारों वाक्य हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद यहाँ पर खंडसा संस्कृत के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानानाम पूर्ति कुरुत, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर पहला शब्द प्रत्यय दिया गया है, तो यदि हम इसको संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर प्रति आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले खाली स्थान में आपको प्रति लिखना है, दूसरे खाली स्थान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रत्यय को किस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रति प्लस ए लिख सकते हैं। दूसरा खाली स्थान है महा प्लस उदय है, तो यह क्या हो जाएगा, शब्द महोदय हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरे खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है कैनापी, तो यदि इसको हम संधि विच्छेद के रूप में लिखेंगे तो पहले खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, कैन लिख देना है, और दूसरे खाली स्थान में क्या लिख देना है, अपी लिख देना है। तो इस प्रकार से कैनापी को हम क्या लिख सकते हैं, कैन प्लस अपी लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा खाली स्थान है बलेन प्लस एवं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बलेन एवं हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको खाली स्थान में इस प्रकार से लिख देना है, बले नेवम लिख देना है। तो इस प्रकार से चौथे खाली स्थान का आंसर क्या हो जाएगा, बले नेवम हो जाएगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है पाव प्लस अका है, तो क्या हो जाएगा, पाव का हो जाएगा। तो लास्ट खाली स्थान में आपको क्या लिख देना है, पाव का है लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है युग मेलनम कुरुत, अर्थात सही जोड़ियाँ बनाइए। तो यहाँ पर छठवें क्वेश्चंस में दिया गया है पुरा, तो पुरा का आंसर क्या हो जाएगा, प्राचीन, क्योंकि इसका जो अर्थ होता है प्राचीन होता है। इसके बाद सातवें क्वेश्चन में आपको अधय दिया गया है, तो अधय क्या होता है, नीचा होता है, अर्थात नीचे की ओर होता है। इसके बाद धिक, आठवें शब्द में आपको क्या दिया गया है, धिक, तो धिक का अर्थ क्या होता है, धिक्कार होता है। इसके बाद पुनः, तो पुनः का अर्थ क्या होता है, फिर होता है, अर्थात दोबारा होता है, तो यहाँ पर फिर से आपको मिला देना है। इसके बाद दसवां शब्द दिया गया है परतः, तो परतः क्या होता है, चारों ओर होता है। तो इस प्रकार से यह आपकी सही जोड़ियों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अभी से अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित विकल्पम चित्वा लिखित, अर्थात उचित विकल्प चुनकर लिखें। ग्यारहवां खाली स्थान है प्रत्यनयन में मूल शब्द है, तो प्रत्यनयन में मूल शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, प्रत्यय लिख देना है। इसके बाद प्रश्नांक 12 है पुस्तकेन में विभक्ति है, तो यहाँ पर आपको चार विकल्प दिए गए हैं, तो जो पुस्तकेन में विभक्ति है वह तृतीया विभक्ति है, तो 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है पठती में धातु है, तो पठती में कौन सी धातु है, पठ धातु है, अर्थात 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 14 है अवदत्त में लकार है, तो अवदत्त में कौन सा लकार है, यहाँ पर लंग लकार है, अर्थात 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 15 है गमिष्यत में वचन है, तो गमिष्यत में कौन सा वचन होगा, द्विवचन होगा, तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है कि अधोलिखित पद सहायन चित्रम दृष्टवा, यहाँ पर पंचवाक्यानी संस्कृते लिखे, अर्थात नीचे लिखे शब्दों की सहायता से चित्र देखकर संस्कृत में पांच वाक्य लिखे। यहाँ पर आपको पांच शब्द दिए गए हैं, बाल कह, नदी, तरती, प्रत्न है और वृक्ष है। तो यहाँ पर इन पांच शब्दों के प्रयोग से यहाँ पर हमें चित्र को देखकर नीचे यहाँ पर हमें पांच वाक्यों को लिखना है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको खालिस्तान दिए गए हैं इन खालिस्तान को आपको भरकर यहाँ पर आपको इन वाक्यों को लिख देना है। तो यहाँ पर पहला खालिस्तान दिया गया है कि चित्र एका अस्ति, तो यहाँ पर चित्र में आपको देख सकते हैं एक नदी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चित्र एका नदी अस्ति, तो यहाँ पर आपको नदी लिख देना है। और इसको आप पहले नंबर के वाक्य में इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अर्थात 16वें नंबर के वाक्य में आपको यहाँ पर क्या लिख देना है, चित्र एका नदी अस्ति। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है नदा अंत है एका खाली स्थान अस्ति, तो नदी में क्या है, एक बालक है अस्ति है,
तो यहाँ पर आपको सत्र में जो आपको यहाँ पर खाली स्थान दिया गया, यहाँ पर आपको क्या लिख देना है कि नद है अंत है एक है बाल का है अस्ति। इसके बाद 18वें वाक्य में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बाल का है लिखना है। तो बाल का है नदायाम तरती, अर्थात जो बालक है वह नदी में तैरता है। तो 18वें वाक्य में आपको क्या लिख देना है, बाल का है नदायाम तरती। इसके बाद नेक्स्ट खालिस्तान है बाल का है खालिस्तान पूर्वकम नदी पारम करोति। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रत्न है लिखना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है प्रत्न है। तो इस प्रकार से 19वें खालिस्तान में आपको लिखना है बाल का है प्रत्न है पूर्वकम नदी पारम करोति। इसके बाद जो लास्ट वाक्य है यहाँ पर 20वां, इसमें आपको क्या लिखना है, नदीम परतः खालिस्तान संति। तो नदीम परतः वृक्षा संति। तो यहाँ पर लास्ट वाक्य में आपको लिखना है कि नदीम परतः वृक्षा संति। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि स्टूडेंट जो आपके प्रतिभा पर्व के पेपर हैं वह आपके 17 जनवरी से होने वाले हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।